शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बोले रहे ना, मैं भी उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। आप एक बार प्लीज जाकर देखिए ना। अगर काव्या फंस गई होगी तो उसे बचाने के चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बबुआ, तुम परेशान ना हो। तुम ठीक हो? क्या हो, इतनी घबराई हुई क्यों? रॉकी, आज रॉकी को छोड़ूंगा नहीं। नहीं गुना, रॉकी ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ किया नहीं तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? उसने कुछ किया तो नहीं, पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे मेरे होश उड़ गए। क्या कहा उसने काव्या? उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब तो रॉकी ने खेल को जरा ज्यादा ही मजेदार बना दिया है। जवाब में उसे थप्पड़ लगा के दिया कि नहीं? उसकी बातें सुनकर मैं इतनी ज्यादा चौंक गई थी कि कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी मुझ में। जब तुमने जवाब में उसे थप्पड़ नहीं लगाया, अब वो मेरे हाथों से थप्पड़ खाएगा। नहीं कुणाल, रॉकी ने मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है। सीक्रेट? हाँ। कैसा सीक्रेट? ये रॉकी भी ना खुद तो फंसेगा ही, हमको भी फंसाएगा। ये आज नहीं तो कल खुद ही सबको बता देगा कि इसने 50 करोड़ रुपए कहाँ छुपा कर रखे हैं। ये रॉकी तो बड़ा बेवकूफ है, इसलिए कुणाल और काव्या के साथ रहने में फायदा है। तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो? हमको लगता है शादी की बात करके रॉकी ने तुम दोनों की बहुत बड़ी मदद कर दी है। काव्या, तुम शादी के लिए हाँ कह दो। क्या कह रही हैं आप बुआ दादी? अरे बबुआ, हम सच्ची मुच्ची की शादी करने को थोड़ी कह रहे हैं। शादी का नाटक करो और रॉकी को अपने झांसे में फंसाओ। श्री काव्या, बुआ दादी सही कह रही। पर कुणाल, ये करना बहुत रिस्की होगा। उसकी टेंशन मत लो, तो हम होंगे ना इसके साथ और तुम्हारे एकदम आसपास रहेंगे। मतलब? भगवान जी, प्लीज 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 ऐसा कोई चमत्कार करिए ना जिससे कि जो खावे हैं उसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। प्लीज भगवान जी, अगर आपने मुझ पर एहसान कर दिया ना तो आप देखिएगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त इस दुनिया में आपका कोई नहीं होगा। और मेरी तरफ से हाँ है। क्या काव्या, इसका मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं आ रहा काव्या। सच कहूँ तो इससे ज्यादा खुशी मुझे आज तक मिली नहीं दुनिया में। काव्या एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, काव्या को मेरी बनाकर आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं बता नहीं सकता। अब आप देखिएगा मैं आपकी भक्ति में कितना विलीन हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे शादी के लिए यहाँ कह दिया।
क्यों? अच्छा काव्या, एक मिनट, हाँ मैं अभी आया। क्या हुआ? हाँ काव्या, वो क्या है ना, एक बहुत खास बात है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम बस मेरा यही इंतजार करो, मैं यूं गया और यूं आया, कहीं जाना मत, यही इंतजार करना। हे भगवान, अब ये क्या करने वाला है? हे भवानी, ये तो घोड़े बेच के सो रही है, उसको दवाई क्या खिलाए, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको दवाई खिलाने के बहाने उठाते हैं। भवानी, उठने के बहाने करवट खाके सो गई। काव्या, I'm back. क्या है ना काव्या, मैं तुम्हारे लिए ये सब क्या है? ये क्या है मतलब क्या काव्या? अभी तो मंदिर में तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी भरी है, तो इस लिहाज से अब तो मैं तुम्हें हार पहना सकता हूँ ना अपने हाथों से। देखो रॉकी, मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया है, पर अभी भी मेरे मन में बहुत सवाल है और बहुत डर भी लग रहा है। काव्या, किस बात का डर और कैसे सवाल? तुम मुझसे अपने सवाल करो, मैं सब सवालों के जवाब दूंगा तुम्हें। पूछो। यही कि हमारी शादी कैसे होगी, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, और इस हवेली की तरफ तो देखो। क्या हुआ? क्या हालत हो गई है इस हवेली की? सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, सारा बिजनेस उस कुनाल ने अपने नाम कर लिया है। पैसों के नाम पे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। काव्या, तुम गलत समझ रही हो। देखो काव्या, ध्यान से सुनो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी आने नहीं दूंगा। पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो तुम? आज सिर्फ पैसों की नहीं है, फिर मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। पहले करण के जाने का दुख, और फिर वो नकली करण, उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था, और मैं अपने दुख से उभर भी नहीं पा रही थी, और उतने में कुनाल ने मुझे धोखा दे दिया। और ये सब क्या कम था जो दादी माँ ने भी मुझसे मुंह फेर लिया? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुमसे शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे भरोसा ना दिला दो कि मेरा दिल कभी नहीं टूटेगा, मुझे कभी कोई धोखा नहीं देगा। तुम्हें कोई धोखा क्यों देगा, क्यों तोड़ेगा तुम्हारा कोई विश्वास? मुझ पे भरोसा करो काव्या, मैं तुम्हें दिलों जहां से मोहब्बत करता हूँ, प्लीज। नहीं रॉकी, मेरा दिल अगर दोबारा से टूट गया ना तो मैं पूरी तरह से बिखर जाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी। काव्या, संभालने की बात तो तब आएगी ना जब कभी मैं तुम्हें जिंदगी में गिरने दूंगा। मेरी बात पे यकीन करो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम्हारी बातें सुनने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर सच से ना तो तुम अनजानो और ना ही मैं। क्या कहना चाह रही हो काव्या? तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।